महाराजपुर थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। छतमरा चौराहे पर रात में गश्त कर रहे सिपाही ने दुकान के बाहर सो रहे युवक का मोबाइल चुरा लिया। सिपाही द्वारा मोबाइल चोरी करने की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एसपी आउटर के मामला संज्ञान में आते ही आरोपित सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। शहर के आउटर क्षेत्र महाराजपुर थाना अंतर्गत वायरल वीडियो की पुलिस ने उच्च अधिकारियों से जांच कराई तो सिपाही की पहचान महाराजपुर थाने में तैनात प्रगेश सिंह के रूप में हुई। एसपी आउटर तेज स्वरूप ने आरोपित सिपाही को निलंबित कर दिया है। सिपाही के साथ मौके पर एक होमगार्ड का जवान भी था। अधिकारी उस पर भी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। महाराजपुर छतमरा निवासी नितिन सिंह शनिवार रात गांव में ही चौराहे स्थित अपनी दुकान के बरामदे में सो रहा था। छतमरा चौराहे पर शनिवार रात महाराजपुर थाने के सिपाही प्रगेश सिंह व एक होमगार्ड की पीके ड्यूटी लगी हुई थी। इसी दौरान सिपाही प्रगेश सिंह बरामदे में सो रहे युवक के पास जाता हुआ दिखाई देता है और उसका मोबाइल चुराकर भाग जाता है। ये पूरी घटना बरामदे में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। रविवार सुबह सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सिपाही द्वारा चोरी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद वीडियो की जांच कराई गई तो पूरा मामला खुल गया। वीडियो की जांच कराई गई जिसमें सिपाही के ऊपर लगे आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं। एसपी आउटर के निर्देशन पर सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। महाराजपुर में एक गश्त के दौरान एक सिपाही ब्रिगेश सिंह का फुटेज सीसीटीवी फुटेज प्रकाश में आया है, जिसमें एक सोए हुए व्यक्ति का मोबाइल निकालते हुए दिखाई दे रहा है। प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आरक्षी को निलंबित कर दिया गया है, अन्य कार्रवाई की जा रही है।